भारत में तीव्र गति से हो रहा शहरों का कायाकल्प एवं निर्माण कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है, जिसके चलते भारत के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात ने शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। यही कारण है आज भी विकास का गुजरात मॉडल पूरे भारत के लिए विकास का मंत्र बना हुआ है। आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने भारत के अतुल्य विकास और निर्माण की प्रतिज्ञा पूरे देश के समक्ष ली थी। इस प्रतिज्ञा के तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किए गए। आज ये मिशन दशकों से उपेक्षित भारत के शहरों की दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा आरंभ किया हुआ स्वच्छ भारत मिशन सफलता और प्रेरणा की ऐतिहासिक कहानी दर्शाता है। देश के 3200 शहरों में 65,000 सार्वजनिक शौचालय आज गूगल मैप्स पर पाए जा सकते हैं। लगभग 20 करोड़ लोग सीधे या अन्य माध्यम से इस मिशन से जुड़कर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे चुके हैं, जिसके चलते आज भारत में वेस्ट मैनेजमेंट टू वेल्थ क्रिएशन एक सुनहरा अवसर बन चुका है। अपना घर हर परिवार का सपना होता है और प्राथमिक जरूरत भी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों शहरी परिवारों का ये सपना पूरा कर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। इस योजना ने समाज के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत सरकार ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत विश्व की उत्कृष्ट निर्माण तकनीकों का उपयोग करते हुए 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का तीव्र गति से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया के माध्यम से भारत में 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस योजना के अंतर्गत शहरी प्रवासियों, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती किराए पर आवास उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में रेरा अधिनियम खरीदारों को एक कारगर शक्ति प्रदान की है। इससे निर्माण क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है और साथ ही ट्रांसपेरेंसी एवं अकाउंटेबिलिटी को प्रोत्साहन मिला है। पारदर्शी तरीकों से किराएदारों और मकान मालिकों के हितों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट लागू कर कानून को नया रूप देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देकर शहरी गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि रेड़ी पटरी विक्रेताओं को अपने व्यवसायों को चलाने एवं विस्तार करने में मदद मिले। आज शहरों को सिर्फ स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाए जाने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। जगह जगह पार्कों एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण इसी दिशा में उठाए गए कदम है। जनसाधारण की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति, सेप्टेज प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल आदि की व्यवस्थाएं उचित रूप से की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा शहरों में आधुनिक विश्व स्तरीय परिवहन का निर्माण किया जा रहा है। सरकार पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व समझते हुए आधुनिक एसी इलेक्ट्रिक बसों को नगरीय परिवहन का हिस्सा बनाने में सफल हुई है। गेट मोर फ्रॉम लेस के मंत्र की राह पर चलते हुए 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। विश्व स्तर की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों के जीवन का स्तर, आर्थिक कार्य के अवसर और शहरों की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कार्य किए जा रहे हैं। अब ये मिशन एक मूवमेंट का रूप ले रहा है। विकास के संकल्प को ध्यान में रखते हुए आज का आधुनिक भारत अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हाल ही में लॉन्च हुए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0
एवं अमृत 2.0 के साथ ही सैचुरेशन मॉडल को भविष्य के निर्माण का रोड मैप मानकर भारत अब और भी बेहतर स्वच्छता, आर्थिक अवसरों, ईज ऑफ लिविंग और अपनी आत्मनिर्भरता पर काम करते हुए एक न्यू अर्बन इंडिया बनने की राह पर अग्रसर हो चला है।